हे गाइस, वेलकम बैक अगेन डीकेयर। यार आज की वीडियो ना नेक्स्ट लेवल होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के ऊपर। एंड इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के ऊपर तो ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। एंड यार मैं कहूँ कि अगर आप पर डे 100 से 200 रियल फॉलोअर, जेन्युइन फॉलोअर, कोई फेक ट्रिक नहीं है, रियल फॉलोअर पर डे ले सकते हो, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। यार वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। आज की वीडियो मतलब स्टार्टिंग में तो आपको ग्रो करने का तरीका बताऊंगा, एंड लास्ट में दो ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 10K प्लस फॉलोअर कर सकते हो। ठीक है, तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए पूरा देखना। और एक चीज़ और, अभी से लाइक कर दो, और वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, इससे क्या होगा यूट्यूब मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएगा। तो यार लाइक ठोक दो अभी से, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हमारी प्रोफाइल पे हम आ चुके हैं। देन यार देखो, सबसे फर्स्ट चीज़ है मतलब यार फॉलोअर क्यों इंक्रीज नहीं हो रहे, क्यों बढ़ नहीं रहे, क्योंकि यार देखो आप जब सबसे पहले मान लो किसी बंदे का आप प्रोफाइल पे जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, यूज़र नेम। अगर आपका यूज़र नेम अगर बहुत बड़ा है ना, क्योंकि मैं भी पहले डकेश्वर तिवारी रखा था यूज़र नेम, ठीक है, तो अगर आपका यूज़र नेम बड़ा है तो यार उसको कुछ छोटा रख लो। जैसे कि मैंने अभी अभी 30K तक के मेरा डकेश्वर तिवारी था, 30K या फिर 40K के बाद मैंने DK अर्थ नाम चेंज किया, ठीक है। यार ये नाम यूनिक लगा इसलिए मैंने डाल दिया DK अर्थ करके। तो देन मतलब आपको भी ना ऐसे ही कोई छोटा नाम रखना है जो याद हो, अगर DK अर्थ किसी को याद हो जाता है, अर्थ का स्पेलिंग तो बचपन से याद रहता है सबको, और यार DK तो नॉर्मल सा है, यार किसी को भी याद हो जाएगा ये यूज़र नेम। और ये वहीं पर अगर डकेश्वर तिवारी अगर सर्च करते हो ना, तो यार बहुत लोग मिलता नहीं था, बहुत लोगों को मेरा अकाउंट मतलब बहुत लोग मतलब बताता है कि मेरे इतने इतने फैंस हैं, फिर भी यार उन लोगों को मिलता नहीं होगा अकाउंट, पता नहीं क्या दिक्कत है। यहाँ पे DK अर्थ, अब DK अर्थ सर्च करो सबसे टॉप में मेरी आईडी आती है, ठीक है। तो यार सबसे पहली टिप है कि आपको यूज़र नेम छोटा रखना है। एंड यार सेकंड टिप है कि अगर आप अपने प्रोफाइल पे आते हो, ठीक है, मतलब किसी फेमस बंदे के प्रोफाइल पे जाते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो, बायो। देखो ये बायो पे मैंने क्या लिखा, अपने बारे में पूरा डिटेल दिया, मैं फोटो एडिटर हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ। एंड यार ये तो जनरली ऐसे डाल दिया था किसी फेमस बंदे के बायो पे देखा था। तो देन मेरी बर्थडे यहाँ पे लिखी है, एंड यार ये मेरा बड़ा भाई है, यार मेरे भाई को भी आगे फॉलो कर सकते हो। एंड यार देखो मैं कोरबा से बिलोंग करता हूँ, इसलिए लिव इन कोरबा, ठीक है। बाकी ये पेड प्रमोशन वगैरह वो तो प्रमोशन वगैरह आती है उसके हिसाब से। एंड यार ये हैशटैग इसलिए यूज़ किया हूँ, अगर कोई हैशटैग या फिर कोई DK आर्मी या कोई इंस्टाग्राम सर्च करता है सर्च बार पे, तो हो सकता है मेरी आईडी टॉप या सेकंड थर्ड नंबर पे आ जाए, तो इससे फॉरवर्ड इनकेस हो सकते हैं, ठीक है। एंड यार सबसे मेन चीज़ है मतलब देखो ये सब तो हो गया, सेकेंड चीज़ बता रहा हूँ आपको, टाइमिंग का ख्याल रखना है। जैसे कि आपको टाइमिंग का ख्याल कैसे रखना है, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो ना, तो आपको पर डे एक पोस्ट अपलोड करना है। देन यार देखो ये मेरी टाइमिंग है, मतलब मैं ना इसमें से टाइम सेलेक्ट किया हूँ 12 PM का, क्योंकि सबसे ज़्यादा 12 PM को मेरे फॉलोअर्स एक्टिव रहते हैं, एंड 6 PM मतलब ये यार इवनिंग का टाइम है, तो यार इवनिंग टाइम तक के मेरा 1.5 GB डाटा ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं 12 PM अब से पोस्ट करूँगा रेगुलर। और आपको भी पर डे एक वीडियो और एक फ़ोटो, मतलब आज अगर आपने फोटो अपलोड किया है तो कल वीडियो अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप बिगनर हो ना, पर डे फोटो एक वीडियो डालो, लाइक जाए या ना जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर डे डालो। वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यार पर डे एक वीडियो डालो एक फ़ोटो डालो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके फॉलोअर ग्रो करेंगे, आपकी आईडी ज़्यादा लोगों को दिखेगी, ठीक है। देन यार आज की ट्रिक बता देता हूँ, फॉलोअर की ट्रिक। यार देखो ये ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, रुको पहले अपनी आईडी पे चले जाते हैं। तो गैस ये अपनी आईडी है, ठीक है। तो यार क्या हुआ कि मैंने जो पहले ट्रिक बताई थी, हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए हो या कुछ हो, मतलब कुछ बंदे मेरे को DM किए, मतलब यार कुछ लोगों से ऐसे मैं इसमें जितने भी DM आते हैं ना सबका रिप्लाई करता हूँ इस आईडी पे, उस आईडी पे कर नहीं पाता, ठीक है। तो इस आईडी पे कुछ बंदे बोले कि यार आपकी ट्रिक वर्क नहीं करे, मतलब इससे मेरे फॉलोइंग बढ़ जाएंगे। अरे भैया 10-12 मतलब सेलिब्रिटी को फॉलो करने से आपकी फॉलोइंग बढ़ जाएगी। यार देखो मैं ये ट्रिक मैं एक बार और फिर से समझा रहा हूँ, फॉलोअर बढ़ाने की ट्रिक है जो पिछली वीडियो पे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये ट्रिक आपको एक बार फिर बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाके प्राइवेट कर लेना अकाउंट को, ठीक है। यार मेरा अकाउंट प्राइवेट नहीं हुआ क्या आपको सबसे, हाँ लो हमारा अकाउंट प्राइवेट हो गया। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट प्राइवेट कर लेना, ठीक है। तो मतलब 2K या 1K से कम आपके फॉलोअर हैं ना, तो आपको सबसे पहले सेटिंग में जाके अपना अकाउंट प्राइवेट कर लेना है, ठीक है।
और उसके बाद मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, आप मतलब देखो, आप एक साल या दो साल से चला रहे होगा इंस्टाग्राम, ठीक है, आपके अभी कितने फॉलोअर है, समथिंग समथिंग मान लो 1000 फॉलोअर आपके, ठीक है, अगर आप 2 मंथ अगर मेरी ट्रिक को अप्लाई कर लेते हो ना, सिर्फ 2 महीने, मतलब जो मेरे 60K वाले अकाउंट है ना, अगर ये अकाउंट है, इसमें मैंने कम से कम 13,000 फॉलोअर वो उसी ट्रिक से किया है जिस ट्रिक से मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो ट्रिक अभी बता रहा हूँ ना, उसी ट्रिक इस साइड में मैंने कम से कम 13,000 फॉलोअर उसी ट्रिक से किया है जो ट्रिक मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले आपको अपनी अकाउंट प्राइवेट कर लेनी है, ठीक है, यार ये लोडिंग ले रहा है, हाँ, सबसे पहले आपको आपकी अकाउंट प्राइवेट कर लेनी है, फिर किसी भी एक सेलिब्रिटी को सर्च करना है, लाइक जैसे विजय अमर मेरा फेवरेट है, ठीक है, तो यार इनको सर्च कर लेते हैं अपन लोग। एंड यार आपके जो फेमस मैंने जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटी है ना, उनको आपको फॉलो कर लेना, लाइक विजय अमर, ठीक है। एंड यार इनके सबगेशन तो है, मतलब जैसे ये आ गया फैसू, असनैन, रियाज, ये जन्नत जुबैर, अदनान, ये सद्दू एंड क्रिस्टोफर रोनाल्डो, आरसीएफ खान, रोहित, ऐसे करके। यार आपको ना ज़्यादा नहीं करना है, आपको या 10 से 20 उन लोगों सेलिब्रिटी लोगों को फॉलो कर लेना है। देन यार यहाँ पे देखो, यार फॉलोअर आएंगे, ठीक है, अभी तो मेरा नेट स्लो है क्योंकि आज का यार मैं हमेशा अपने वीडियो जब शूट करता हूँ, मतलब वीडियो एडिट करता हूँ, मैं नाइट के में ही करता हूँ, यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करता हूँ तो मैं नाइट में करता हूँ, क्योंकि डे में यार बहुत रेड्यूशन आता है, यार घर वाले रहते हैं ऐसा वैसा, तो मैं नाइट में शूट कर मैंने वीडियो एडिट करता हूँ, देन यार मेरी नेट इतने टाइम तक ख़त्म हो जाती है, तो यार अभी 2G चल रहा है। देन आपको ये मतलब जैसे मैं हमने अभी सेलिब्रिटीज़ को फॉलो किया, ठीक है, देखना गाइस अभी फॉलोअर आएंगे, गाइस देख सकते हो 2 फॉलोअर आ चुके हैं, ठीक है, अभी 2 फॉलोअर आ चुके हैं। यानी यार आपको क्या करना है, मतलब एवरी आवर क्या करना है, ऐसे फॉलोइंग में जाना है, अपने फॉलोइंग में पहले 10-20 सेलिब्रिटीज़ को सेलेक्ट कर लो, अपने फॉलोइंग में जाओ, तो वैसे आपको सिर्फ 10-12 सेलिब्रिटीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। यानी यार हर घंटे ऐसे करके अपने फॉलोइंग में जाके इनको अनफॉलो करके फिर से फॉलो कर लेना है एवरी आवर, ठीक है, हर घंटे। और ज़्यादा अगर एक ही बार में मतलब बार बार ज़्यादा करोगे ना, तब आपकी आईडी पे एक्शन ब्लॉक भी आ सकती है, अगर एक्शन ब्लॉक आ रही है तो यार मतलब एक्शन ब्लॉक आई ना यार आपकी आईडी बैन होने का खतरा भी है। डैन यार बैन होना तो अलग बात है, आपकी आईडी फ्रीज हो जाएगी, मतलब क्या होगा कि आपके पिक्स जो होते हैं ना वो आपके फॉलोअर तक भी नहीं जा पाएंगे, अगर आप ज़्यादा फॉलो कर देते हो तो एक्शन ब्लॉक ना ही है तो अच्छा होगा। तो हर घंटे आपको ज़्यादा नहीं 20 सेलिब्रिटीज़ को ऐसे करके फॉलो कर लेना है, फिर अनफॉलो कर लेना है, फिर फॉलो कर लेना है, फिर अनफॉलो हर घंटे, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे 5 फॉलोअर आ चुके हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको एवरी आवर लोगों कर लेना है, ठीक है, मतलब ये ट्रिक नंबर 1 है। एंड इसी ट्रिक से मैंने गाइस 13,000 फॉलोअर तक के इसी ट्रिक से किया था, ठीक है, मतलब मैं अपनी आईडी को प्राइवेट कर लिया था, ठीक है, उसके बाद ऐसे ऐसे फॉलोअर बढ़ाते गए, 2 मंथ में मेरे 13K फॉलोअर हो गए, ठीक है। और जैसे ही मैंने प्राइवेट को ओपन किया, फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड को बताया कि भाई देख मेरे 10K प्लस फॉलोअर हो गए करके, तो यार बोलता है यार तेरे इतनी जल्दी 10K प्लस कैसे हो गए, तो अभी कुछ दिन पहले तेरे 2,000 या 3,000 पूछते बोलता है, तो बोले यार हो गए देखने यार बोला मैं, मतलब ऐसा होता है। इसको प्राइवेट करके आपको यहाँ पे 30K लोगों को चाहिए, मैंने 30K फॉलोअर आपको चाहिए, मैं 30 बोलता हूँ, 13K या फिर 10K प्लस आप कर सकते हो। एंड उसके बाद एक बार में इसको ओपन करना है, एंड उसके बाद जो मतलब मैं जब 10K वो था ना, 10K से कम फॉलोअर थे, मतलब जब मैंने आईडी इसको ओपन किया, ठीक है, तो मेरी पहली पिक पे कितना 1700 लाइक गया था, पहले पिक पे 1700 लाइक गया था, जब मेरे वो 60K वाले अकाउंट पे 13K फॉलोअर हुए थे, तब मैंने पहली पोस्ट वीडियो उसमें 1700 लाइक गया था। यार मतलब कुछ बंदे उस टाइम मेरे को फेक बोलते थे, यार एक दिन में कैसे इतना चले गया करके इसको फेक बोलते थे, यार उनको क्या पता कि ये ट्रिक ऐसे ही करके ऐसे यहाँ पे फॉलोअर आपको गेन करते जाने हैं। देख सकते हो गाइस अभी 6 हुए ना, यार नेट स्लो है अभी, तो यार 12-15 ज़्यादा हो गए, देखो 9 हो गए, फॉलोअर कैसे बढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग बात ही कर रहे हो यहाँ पे फॉलोअर बढ़े जा रहे हैं आपको, मतलब कि मान लेते हैं यार एक घंटे में आप मान लेते हैं 20 लोगों को, मैंने 20 फॉलोअर आप ले सकते हो, ठीक है, एक घंटे में। तो यार डेली मान लो 24 आवर्स में 10 आवर अपन लोग यार डेली एक्टिविटी करते हैं, तो हर घंटे सिंपल से अपने फॉलोइंग में जाके इन सेलिब्रिटीज़ को अनफॉलो करके फिर से फॉलो कर लेना है हर घंटे अगर करते हैं, मान के चलो एक दिन में 200 फॉलोअर 1 डे में कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है, 1 डे में 200 फॉलोअर यानी कि 30 मैंने 1 डे में 200 यानी 30
मतलब कि 30 दिन में 60 मैंने 6,000 फॉलोअर, 30 डेज में आप 6,000 फॉलोअर कर सकते हो। एंड यार 30 डेज में 6,000 मतलब कि 2 मंथ में आप 12,000 फॉलोअर कर सकते हो ओनली 2 मंथ में। और यार उस टाइम ना जब मैं फॉलोअर इंक्रीज करता था तब क्या था, फॉलो का ना लिमिट थोड़ा ज़्यादा था। अभी क्या है ना, बहुत जल्दी एक्सेप्ट ब्लॉक आ जाती है पता है, तो आपको एवरी आवर ज़्यादा नहीं 20 लोगों को अनफॉलो करें फिर से फॉलो कर लेना, तो आपकी आईडी में एक्सेप्ट ब्लॉक भी नहीं आएगी, आपकी आईडी फ्रीज होने का डर भी नहीं है, ना बैन होने का भी डर नहीं है, सिंपल सर्वे करना है। उसके बाद यहाँ पे जब जैसे ही 10K फॉलोअर आपके गेन हो जाए तो आपको अपनी आईडी एक बार में ओपन करनी है एंड तुरंत एक पोस्ट अपलोड करनी है। जैसे तुरंत एक पोस्ट अपलोड करोगे ना क्या होगा कि उन 13K लोगों के फीड में टॉप में जाएगी आपकी फ़ोटो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो अपने फॉलोअर इंक्रीज। देन गाइज हम आते हैं नंबर 2 पे, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 ये है गाइज, जैसे नॉर्मल से आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, अगर कोई फेमस बंदे मान के चलते हैं ये नेहा राजपूत कर गया यार, ये देखना ये मैंने ये एक फेक अकाउंट पता है, ये कोई बंदा चला रहा है यार, इनके फॉलोअर देखो यार 13 मिलियन फॉलोअर भाई, इस दुनिया में कितने चोमू लोग हैं ना, तो 13 मिलियन क्यों यार, ये आईडी देख के पता चल रहा है कि यार फेक आईडी है यार, मैं नेट नहीं चल रहा यार, जो भी हो इनके आईडी देख के पता चल रही है हम लोगों को फेक आईडी करके, फिर यार लोग इनको फॉलो करते हैं। यार मैंने इनको इसलिए फॉलो किया कि फॉलोअर बढ़ाना थे, ठीक है। सिंपल सा आपको क्या करना है, इसमें आना है, देख के आप फॉलो बैक करेंगे। देन यार आपके मतलब फॉलोअर ऐसे ही जैसे ये देखो 11 हो गए, ठीक है, ऐसे और बंदे आते जाएंगे। देन ऐसे ही करके मतलब आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन जैसे अगर मतलब नेहा दीदी के अगर फॉलोअर को फॉलो करने वाली ट्रिक अगर अप्लाई कर रहे हो, आपको डेली मॉर्निंग में 100 करना है एंड 10 आवर या 12 आवर के बाद नाइट में आपको 100 लोगों को फॉलो करना है। अगर मतलब 100 से 200 या 300 करते हो ना, तो आपकी मतलब एक्शन ब्लॉक तो आएगी आएगी, ऊपर से आपकी आईडी कैसे तैसे हो जाएगी, मतलब आपके जो पोस्ट है यार इंस्टाग्राम क्या करता है आपकी आईडी फ्रीज कर देता है, मतलब आपकी पोस्ट है ना आपके फॉलोअर तक के भी नहीं जा पाती। मतलब मेरी क्या हुई थी, जब मेरा 16K कुछ फॉलोअर थे, जब मेरी आईडी एक बार हैक हो गई थी, ठीक है, आईडी हैक हो गई, फिर जैसे तैसे करके यार इंस्टाग्राम को मेल वगैरह किया, जैसे टू फेस ऐसा कुछ रहता है, उससे जाके मेरी आईडी वापस आई, ठीक है। मैंने उसके बाद आईडी वापस आई तो फर्स्ट पोस्ट डाला तो मेरे 800 लाइक थे, ठीक है, उससे पहले मेरे 1,000-2,000 तो जाते ही जाते थे। तो फर्स्ट पोस्ट डाला, मतलब वो हैकर ने सब पोस्ट डिलीट कर दिया था मेरा, मतलब 200 समथिंग पोस्ट थे एंड उस हैकर ने पूरा डिलीट कर दिया था। तो मेरे मतलब फर्स्ट पोस्ट पे 800 लाइक गया, ठीक है, उसके बाद सेकंड पोस्ट पे 500, फिर 700, ऐसे करते करते फिर एक टाइम आ गया यार 18,000 फॉलोअर थे मेरे, और मेरे एक पिक पे 150-200 लाइक आते थे यार, 150-200 लाइक एक पिक पे, रिच अच्छे आ रहे थे, रिच 1,000-2,000-3,000 आ रहे थे, फिर भी लाइक मेरे आ रहे थे 150-200-18,000 फॉलोअर। यार कोई भी मेरा आई डी देख के फेक बोल सकता था यार, मैंने फिर भी पर डे पोस्ट किया, ठीक है, पर डे पोस्ट किया और अलग अलग हर पोस्ट पे अलग अलग हैशटैग यूज़ किया। तो आप चाहो तो यार प्ले स्टोर से जाओ, कोई भी हैशटैग के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उससे भी आपके फॉलोअर इंक्रीज होंगे। हैशटैग को कॉपी करना है, अपने पोस्ट पे पेस्ट करना है। यार मैं पर डे एक पोस्ट डालता गया जैसे तैसे मतलब, और यार टाइम मैं पहले 5:30 PM में डालता था पोस्ट, ठीक है, पर डे पोस्ट डालता था, एक भी दिन वो नहीं करता था और करेक्ट 5:30 पे अपलोड कर देता था। एंड मतलब धीरे धीरे करके ग्रो करते गए मेरी आईडी, एंड आज देख सकते हो गए 60K फॉलोअर कंप्लीट हो गया एंड बहुत जल्दी हम 100K कंप्लीट कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो आज की मतलब यार टिप नंबर 1 टिप नंबर 2 यार पूरा टिप बता दी हूँ। मतलब नॉर्मली से आपको क्या करना है, अपना यूज़र नेम छोटा रखना है, मतलब यार समथिंग ये देखो मेरा 7 वर्ड का मेरा वो है यूज़र नेम है एंड बिल्कुल सिंपल है डी कर करके आप। और सेकंड है आपके बायो, यार कोई बंदा आता है तो सबसे पहले आपके बायो देखते हैं, तो बायो को थोड़े प्रोफेशनल टाइप रखना है। हाँ, प्रोफेशनल से याद है, आपकी अकाउंट को कभी पर्सनल अकाउंट मत रखना, प्रोफेशनल अकाउंट रखोगे तो उससे क्या होगा आपकी मतलब कितने आज फॉलोअर बढ़े यार, स्टाइल एडिट का ऑप्शन देता है और यार बहुत कुछ ही देता है प्रोफेशनल अकाउंट में, प्लस आपकी कैटेगरी देता है, जैसे मेरा पब्लिक फिगर लिखा है, ठीक है, तो जो बंदे पब्लिक फिगर किए रहेंगे और मेरे से कम फॉलोअर वाले रहेंगे उनको मतलब उनके उनके तक मेरे फोटो कहीं ना कहीं से पहुँचेगी, इंस्टाग्राम उनको पहुँचाएगा
देन यार आपको हर फोटो पे अलग अलग हैशटैग यूज़ करना है। देन इसमें तो जैसे कमेंट बॉक्स पे किया हूँ, देन यार ये से ये देखो अलग हैशटैग है, ठीक है, उसके बाद ये अलग हैशटैग है। देन नॉर्मल से आपको ना अपने यूज़र नेम का एक ये हैशटैग बना लेना है, जैसे मैं डी के आर्मी की हूँ ऐसे टाइप का हैशटैग, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप फेमस नहीं हो तो क्या हुआ, आप खुद के एक हैशटैग बनाओ। मतलब आज मतलब कब पोस्ट है तो एक टाइम आएगा कि आपके 1000+ पोस्ट रहेंगे, तो यार कुछ बंदे क्या मतलब देखो मेरी डी के आर्मी जो हैशटैग है इसमें 1000+ पोस्ट हो चुके हैं यार। मतलब अगर उस टाइम मैं ये हैशटैग नहीं बनाया होता ना तो 1000+ पोस्ट भी नहीं रहते मेरे हैशटैग पर, ठीक है। तो यार और तो गाइस कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, एंड यार दो चार फ्रेंड्स पे शेयर भी कर दो। एंड यार यार हमने जो माइक ऑर्डर किया था ना यार वो कल आ जाएगी, कल मेरी माइक आ जाएगी। देन यार आपको जो मेरे बैकग्राउंड पे जो नॉइज़ आती है ना वो सुननी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और यार लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और नया हो यार यूट्यूब पे तो यार सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा कमेंट किया करो।